सस्ते किरायों के दौर जल्द ही खत्म हो सकता है। सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी और एविएशन फ्यूल कीमतें बढ़ने के बाद अब एयरलाइंस अपने किराए बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। अप्रैल से शुरू हो रहे पीक सीजन के डिमांड में हवाई किरायों में और भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सर्विस टैक्स की दरों में बदलाव और महंगे एविएशन फ्यूल के चलते हवाई सफर का मजा किरकिरा होने वाला है। टूर और ट्रैवल इंडस्ट्री के मुताबिक नए बदलावों के चलते अब बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास किरायों पर 40 की जगह 60% वैल्यू पर सर्विस टैक्स लगेगा, जिससे दिल्ली मुंबई जैसे सेक्टर में बिजनेस क्लास का सफर 1000 तक महंगा हो जाएगा। जबकि सर्विस टैक्स में 1.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी होने से इकोनॉमी क्लास का हवाई किराया भी लगभग 1% तक महंगा हो जाएगा। जबकि 1 अप्रैल से शुरू हो रहे पीक सीजन से हवाई किराए अपने ऊपरी स्तर पर आ जाते हैं। जाहिर है कि महंगे हवाई सफर का बुरा असर एविएशन और ट्रैवल दोनों इंडस्ट्री पर पड़ना तय है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पूरी इंडस्ट्री, एक तरफ तो टूरिज्म की बात प्राइम मिनिस्टर से लेके हर आदमी कर रहा है, दूसरी तरफ से जो सर्विस टैक्स हमें एग्जेम्प्ट करना चाहिए था वो सर्विस टैक्स बढ़ा दिया गया, इससे एयर फेयर्स भी बड़े महंगे हो जाएंगे और जो हमारे पैकेज हैं, पैकेज टूर जो विदेशियों के लिए हैं, वो भी महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा बजट में नए एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन और सर्विस टैक्स में दी गई रियायत भी खत्म कर दी गई है, जिससे अब नए एयरपोर्ट को बनाने की लागत करीब 4% तक बढ़ जाएगी। इससे नवी मुंबई और गोवा जैसे नए एयरपोर्ट के टैरिफ भी महंगे हो जाएंगे, जिसका असर हवाई किरायों पर ही पड़ेगा। साथ ही लगातार 7 बार में हुई 33% की कटौती के बाद एक बार फिर एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। 1 मार्च से एविएशन फ्यूल 8.25% तक महंगा हो गया है। जाहिर है कि कीमतों में ये बढ़ोतरी हवाई किराए को ही महंगा करेगी। इंडस्ट्री का कहना है कि सरकार के इस कदम से टूरिस्टों की संख्या घटना तय है और इससे इंडस्ट्री की ग्रोथ आधी तक घट जाएगी। अतुल मिश्रा, दिल्ली।